वेलकम वर्चुअल बच्चों, क्योंकि आप लोग भी वर्चुअल हैं, देख पाते नहीं और तुम लोग पढ़ के निकल जाते हो। तो आइए, आप लोग भी वर्चुअल विद्या को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाई शुरू करते हैं। आज जो पढ़ेंगे क्या है, वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट। देखिए, एडिशन पढ़ लिए, सबट्रैक्शन पढ़ लिए, आप क्या अगर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो आइए, मल्टीप्लिकेशन में, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में दो होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दो होता है इसमें डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए। इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, हाँ, और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। अब बोलेंगे सर ये क्यों, स्केलर वेक्टर क्यों दे रहे हैं फिर से? तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ना, एक्चुअली इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वो क्या होता है, स्केलर होता है। वो क्या होता है, स्केलर होता है। और इसका जो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर। इसलिए इसका नाम अलग से दिया गया, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। एग्जांपल में देखिए, जैसे अगर कोई वेक्टर, एग्जांपल में इसको ले लीजिए, पहले आप वर्क ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, दोनों एक ही है, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाऊंगा अगर। हाँ, वर्क का क्या होता है, जूल। कभी आप सुने हैं कि 10 जूल नॉर्थ डायरेक्शन वर्क किया, नहीं, सीधे बोलते हैं 10 जूल 15 जूल वर्क किया है। हाँ, तो जैसे एग्जांपल देखिए, वर्क बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, हाँ, या एस वेक्टर, ये क्या होता है डॉट, इसी को ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा। तो इसे डिनोट डॉट से किया जाता है। और इधर देखिए, टॉर्क क्या होता है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, हाँ, मैं दिखाऊंगा क्या होता है। और ये जो होता है, इसका डायरेक्शन होता है, उसे एन कैप लिखा जाता है। वो सब मैं बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। तो ध्यान बस इतना रहना है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इसे डॉट से डिनोट किया जाता है, हाँ, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये स्केलर आता है, इसका रिजल्ट जो आता है स्केलर। यहाँ देखिए, वर्क जो है एफ, दोनों वेक्टर है, ये भी एफ वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन इसका जो डॉट आया है क्या आया, वो स्केलर आया। तो आइए समझेंगे कि कैसे आखिर निकालेंगे इसका, वो समझ रहे हैं। लेकिन यह है, ऐसे बहुत सा देखिएगा, आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत सा आएगा आपको कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो क्या होता है, स्केलर होता है। ऐसे इसमें भी आएगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट, काफ़ी जब ट्वेल्थ में जाएंगे तो मैग्नेटिज्म में यही आएगा। हाँ, तो अभी ये फिर ट्वेल्थ में भी जाइएगा तो ये आएगा, हाँ, इलेक्ट्रोस्टेट में आएगा, गॉस फ्लक्स, फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। मैं तो एक फॉर्मूला लिखा भी दिया हूँ डॉट प्रोडक्ट का, लेकिन तब भी मैं अभी बताता हूँ। देखिए, कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए, हाँ, ये हटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, ए,
और कोई दूसरा बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है बी, और एंगल दिया है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा, थीटा क्या है थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, समझ गए। यानी इसे सिंपल ऐसे भी लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला तब यूज करेंगे, ध्यान रहे ये फार्मूला तब यूज होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ध्यान रहे ये फार्मूला तब यूज होगा जब दो वेक्टर दिया रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम होगा आपको और दोनों के बीच का एंगल मालूम होगा, तब ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज इससे ही एक फार्मूला डेरिवेशन होता है वो यूज करना है। तो इसे याद रखना ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, उसमें ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ, बस आपको ये तभी यूज करना है जब दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम हो, और मेन है एंगल, एंगल नहीं मालूम होगा तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जाम्पल में मैं दिखा रहा हूँ, यदि कोई ए वेक्टर दे दिया है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, बी वेक्टर दे दिया है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, इसे आप मैग्नीट्यूड तो तुरंत निकालेंगे रूट अंडर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड तुरंत निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन एंगल नहीं मालूम है तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज करना क्या हो जाएगा बेकूफी हो जाएगा। हाँ, आपको दिया रहता कि एंगल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच 30 डिग्री है, या सीधा मैग्नीट्यूड दे देता कि 5 न्यूटन का है ए फोर्स और बी 10 न्यूटन है और दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री है, तो सीधा ए बी कॉस थीटा लगा देते। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, इस केस के लिए हम इसी से देखेंगे निकाल के आएंगे। क्योंकि एक्चुअली ये भी गुना ही है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा, एकदम हल्का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हल्का फार्मूला ही बनेगा। हाँ, जवाब मैं आपको शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ। तो आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, हाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान रहे कि देखिए ये क्या ए वेक्टर, ये तीन वेक्टर का योग है, तीन वेक्टर का क्या है सम है, एगो एक्स वन आई कैप है एक वेक्टर, दूसरा है वाई वन जे कैप दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर क्या है जेड वन के कैप, बी वेक्टर ऐसे ही तीन वेक्टर का सम है। जब ए डॉट बी करेंगे, हाँ जब ए डॉट बी करेंगे तो एक बार क्या करेंगे इसको उठाएंगे, उसको उठाएंगे और सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो देखिए क्या आएगा एक्स वन आई कैप इंटू एक्स टू आई कैप, एक्स वन आई कैप डॉट एक्स टू आई कैप आएगा। और ध्यान रहे देखिए आई कैप क्या है दोनों के बीच के एंगल कितना होगा जीरो, क्योंकि आई कैप ये होता है फिर इसी पे आई कैप, तो दोनों के बीच के एंगल क्या है जीरो, तो कॉस जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू हो जाएगा, इसे हम हटा देते हैं वाई आई, ये क्या हो जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू, इसको उठाए हुए हैं अभी, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फिर एक्स वन आई कैप इंटू वाई टू जे कैप, और आई कैप जे कैप एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तब जब लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड तो एक्स वन हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वाई टू हुआ, तो एक्स वन वाई टू कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा,
तो सिंपल है, क्या हो गया, जो जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स वन वाई टू कॉस 90 आएगा जीरो, ऐसे एक्स वन आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया समाप्त इसका। सेम ऐसी ऐसा ही कहानी करेंगे इसके साथ, तो वही होगा जे डॉट आई क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा जीरो, फिर जे डॉट जॉ जीरो हो जाएगा कॉस जीरो वन, तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू, सेम वैसे ही जेड वन जेड टू हो जाएगा। तो जब अगर आपको आई कैप जे कैप में दिया रहे तो सीधा सिंपल क्या हो जाएगा, जो कोफिशियंट ऑफ आई कैप इंटू कोफिशियंट ऑफ इसका आई कैप हो जाएगा गुना प्लस कोफिशियंट ऑफ दिस जे कैप इंटू कोफिशियंट ऑफ जे कैप ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा वाई वन वाई टू सेम ऐसे जेड वन जेड टू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये रिजल्टेंट आपका यानी ए डॉट बी आ गया। तो देखिए यहाँ से भी आपको आ गया है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से भी आपको एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया है। हाँ, तो इस दोनों को जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो मालूम है लेकिन एंगल नहीं मालूम है। हाँ, इसके कारण ये फार्मूला नहीं लगा पाए। तो क्यों नहीं भाई, जब हम इससे सीधे जब ए डॉट बी किए तो आ गया आई के कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस जे का प्लस के का। सिंपल है, यहाँ जो होगा उसको इसको गुना करके रख दीजिए, जोड़ इसको गुना करके जोड़ रख दीजिए, जो इसका है इसको रख दीजिए, आ जाएगा। जब आ गया मुझे मैग्नीट्यूड मालूम है तो क्यों नहीं कॉस थीटा ही निकाल लें। हाँ, तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए इसको, ए डॉट बी बराबर क्या है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है एक्स वन वो एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू होगा। ये तो ए डॉट बी हो गया अपॉन ए बी, कॉस थीटा बराबर लिख रहे हैं तो ए बी नीचे आ जाएगा ए अब बी, और ए बी क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसको यहाँ लिख देंगे रूट अंडर एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर हो गया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख नोट करते रहिए। मैं फाइनली एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर अच्छे न्यूमेरिकल बाद में किया जाएगा। आइए, यानी फाइनली हुआ आपके पास कोई ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, हाँ दिया है आपको, बी वेक्टर है दिया है आपको, यदि मैग्नीट्यूड और एंगल मालूम है तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। हाँ, जैसे बोल दिया इसका क्या 5 न्यूटन है, ठीक, इसको बोल दिया 5 मीटर है, एंगल बोल दिया 30 डिग्री 40 डिग्री, फार्मूला रखिएगा आ जाएगा। यदि वो नहीं हो तो यदि आई कैप जे कैप दिया हो, ए वेक्टर दिया हो, जैसे एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, बी वेक्टर दिया हो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, सिंपल है, इसको ए डॉट बी निकालिएगा। ये फॉर्मूला आपको शॉर्ट नोट में लिखना है, इसलिए लिख रहा हूँ एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू लिख लेना है।
हाँ एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं यहाँ करा रहा हूँ, जैसे ए वेक्टर है वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, कितना हो गया, ना चाहते रैक रूट अंडर फोर्टीन। बी वेक्टर को दिया है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस वन के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, सोलह चार बीस एक इक्कीस हो जाएगा। तब अभी आपको ए डॉट बी कहेगा निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो मालूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी मालूम है, लेकिन एंगल नहीं मालूम है, तो ये आप इस फार्मूला से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही बहुत हल्का तो है भाई, ए वेक्टर क्या है वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, बी वेक्टर क्या है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस वन के कैप है, इसको डॉट निकालना हो ए डॉट बी, सिंपल है, क्या करना है वन गुने दो वन इंटू टू प्लस टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू वन कर दीजिए, टोटल जोड़िएगा ये टू प्लस एट प्लस थ्री यानी क्या आ गया आठ तीन ग्यारह दो तेरह, तेरह आ गया, यही होगा हाँ, इसका क्या आ जाएगा ए डॉट बी थर्टीन। हाँ अब हमें कॉस थीटा के कारण ही हम नहीं निकाल पाए थे, तो हम कॉस थीटा ही निकाल लेते, क्योंकि हमको ए भी मालूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मालूम है, ये मालूम है, बी भी मालूम है, बस कॉस थीटा नहीं मालूम, तो कॉस थीटा ही निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट बी ऊपर में और ए डॉट बी का वैल्यू आ गया है थर्टीन, जो फार्मूला हम लिखे थे सेम यही तो लिखे थे एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू, तो उसका सम आ गया है तेरह अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट अंडर फोर्टीन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट अंडर ट्वेंटी वन हो गया, एंगल आ गया। अब कॉस थीटा आ गया तो मन है साइन थीटा टेन थीटा कुछ भी निकाल सकते। ये था डॉट वेक्टर की कहानी, इस पर न्यूमेरिकल अच्छा अच्छा होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। चलिए धन्यवाद।